नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल टेक्टोली के अंदर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को जब बताने वाला हूं कि आप जो है धनिक केस को किस तरीके से अपने अकाउंट के अंदर जो है ट्रांसफर कर सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए जो है मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर जो है मैंने आपको डिटेल वगैरह इसकी बताई थी, लेकिन दोस्तों वो सारी डिटेल यहाँ पे जो है एकदम बढ़िया तरीके से काम नहीं कर पाई। इसीलिए दोस्तों आज मैं जो आप सभी के सामने दूसरा वीडियो यहाँ पे जो लेकर आया हूँ इसी धनिक वॉलेट के बारे में। तो दोस्तों अपने जो है आज यहाँ पे जो है पूरी की पूरी जानकारी इसी चीज के बारे में यहाँ पे जो लेने वाले हैं कि दोस्तों आप जो है किस तरीके से धनी के द्वारा यहाँ पे जो है अर्निंग कर सकते हो, और दोस्तों जो भी आपकी अर्निंग है धनी एप्लीकेशन के अंदर वो आप जो है किस तरीके से अपने बैंक अकाउंट या फिर अपने जो है पेटीएम के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने पिछली बार आपको जो है वीडियो के अंदर बताया था कि आप जो है धनी के यहाँ पे जो सेटिंग के अंदर चले जाना, वहां पर जाकर आप अपना नेम एड्रेस वगैरह यहाँ पे जो है क्लिक कर देना। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बहुत चीजें यहाँ पे जो बता देता हूँ मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, और उसके बाद में मैं आपको यहाँ पे जो आगे की चीजें और यहाँ पे जो दिखा देता हूँ कि आपको जो है नया प्रोसीजर यहाँ पे जो है किस तरीके से आपको जो है कंप्लीट करना है। तो दोस्तों आप वीडियो को यहाँ पे जो बिल्कुल भी स्किप मत करना, आप वीडियो को टोटली यहाँ पे जो वॉच कर लेना ताकि एक एक चीज आपको जो है स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से यहाँ पे जो है समझ में आ जाए। तो दोस्तों धनी एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है कि वहां पर जो धनी क्रेडिट लाइन होती है वो दोस्तों यहाँ पे जो ओपन नहीं हो पा रही है। दोस्तों काफी सारे लोगों को इस चीज की यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है कि धनी यहाँ पे जो क्रेडिट लाइन जो है धनी की वो यहाँ पे दोस्तों ओपन नहीं हो पा रही है। तो इसी वजह से अपना जो भी यहाँ पे धनी के अंदर जो अमाउंट वगैरह है वो यहाँ पे जो दोस्तों पेटीएम या फिर बैंक अकाउंट के अंदर जो है ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपको यहाँ पे जो करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था वो चीजें आपको जो फटाफट से यहाँ पे बता देता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको जो है किस तरीके से आप जो थोड़ी बहुत चेंजिंग इसके अंदर और अभी करनी है। तो चलिए अपने मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और जानते हैं पूरी जानकारी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो है अपनी धनी एप्लीकेशन को अभी जो ओपन कर लिया है, और दोस्तों आप यहाँ पे जो मेरा अभी बैलेंस यहाँ पे देख सकते हो कि दोस्तों यहाँ पे जो जनरल बैलेंस है वो 131 रुपये है, और दोस्तों यहाँ पे जो धनी केस है वो यहाँ पे दोस्तों 10 रुपये है। लेकिन दोस्तों पहले यहाँ पे जो धनी केस था वो दोस्तों 131 रुपये से भी यहाँ पे जो है ज़्यादा था, लेकिन बाद में यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये जो है कट हो गया। पता नहीं ये कट किस वजह से हुआ वो मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों मेरा जो बैलेंस है वो यहाँ से कट हो गया था। तो दोस्तों यहाँ पे जो धनी स्टेटमेंट है उसके अंदर भी आप यहाँ पे जो देख सकते हो कि मुझे वो जो चीज़ है वो कहीं पर भी नहीं मिली कि मेरा यहाँ पे जो बैलेंस किस वजह से यहाँ से जो है कट हुआ था। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, मैं आपको जो मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर जो जो चीज़ें यहाँ पे जो फॉलो मैंने की थी वो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले बता देता हूँ। तो दोस्तों मैंने जो अपनी पिछली वीडियो के अंदर क्या किया था कि यहाँ पे जो अकाउंट के अंदर जाकर के और अकाउंट की जो डिटेल वगैरह है मैं वहाँ पर जग गया था, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे जो धनी पे प्रोफाइल के ऊपर क्लिक किया। और दोस्तों यहाँ से जो है धनी पे प्रोफाइल क्लिक होने के बाद में मैंने यहाँ पे जो मिनी केवाईसी यहाँ से जो है अपग्रेड की थी, लेकिन दोस्तों जो मैंने मिनी केवाईसी यहाँ से कंप्लीट की थी तो उसके द्वारा भी दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं हुआ था। दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर आप सभी लोगों को यहाँ पे जो है बताया था कि आप जो है मिनी केवाईसी यहाँ पे जो है कंप्लीट कर लेना, लेकिन दोस्तों मेरी यहाँ पे जो मिनी केवाईसी भी इसके अंदर दोस्तों कंप्लीट नहीं हुई। और दोस्तों यहाँ पे जो आ रहा है कि टेक ए इंस्टेंट क्रेडिट लाइन, तो दोस्तों यहाँ पे ये जो धनी की क्रेडिट लाइन है दोस्तों वो भी यहाँ पे जो है ओपन नहीं हो रही है। तो मैं यहाँ पे अवेलेबल नाउ के ऊपर जो है क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कि दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है मेरे सामने आइकन वगैरह इसके आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग वगैरह ले रहा है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिख रखा है कि सॉरी वी आर रिजन टू इन्फॉर्मेशन यू दैट यूर रिक्वेस्ट। दोस्तों यहाँ पे ले दे के बाद एक ही है कि इन लोगों ने जो है मेरी धनी पे प्रोफाइल यहाँ पे जो है कंप्लीट नहीं की, और दोस्तों जो मैंने यहाँ से मिनी केवाईसी की थी वो भी यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट नहीं हो पाई। तो दोस्तों उसके बाद में क्या हुआ कि दोस्तों आप लोगों ने मेरे पास यहाँ पे जो बहुत सारे कमेंट भी किए थे कि सर हमारी जो केवाईसी है वो कंप्लीट नहीं हो रही है, लेकिन दोस्तों अभी आपको जो है किस तरीके से अपने अकाउंट के अंदर जो है पैसों को ट्रांसफ़र करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे जो है धनी का बैलेंस देख सकते हो कि जो जनरल बैलेंस है वो 131 रुपये है, और दोस्तों यहाँ पे जो धनी केस है वो 10 रुपये है। तो दोस्तों मैं यहाँ से जो है बैंक ट्रांसफ़र के ऊपर जो क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेम टू सेम वही चीज़ें यहाँ पर भी आ रही है कि आपकी जो केवाईसी है वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, सॉरी दैट फॉर ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दोस्तों आ रही है, क्योंकि दोस्तों अपनी जो है धनी क्रेडिट लाइन भी यहाँ पे दोस्तों क्लियर अभी तक नहीं हुई है। तकरीबन मुझे यहाँ पे जो है 2.5 से 3 महीने अभी हो चुके हैं, ये चीज़ कुछ इस तरीके से ही यहाँ पे जो है मेरे सामने शो हो रही है।
तो दोस्तों यहाँ पे ले दे करके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो कुछ भी यहाँ पे धनी एप्लीकेशन के अंदर कमाया है, आप जो है सिंपली क्या करना, सर्विस के अंदर चले जाना, वहाँ से आप जो है मोबाइल के इलेक्ट्रिसिटी के या फिर गैस के डीटीएच वगैरह के जो भी आप रिचार्ज वगैरह करना चाहते हो वो आप यहाँ से कर लेना, फास्टैग लगवा लेना, इंश्योरेंस करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों आप इस बैलेंस को अपने पेटीएम के अंदर या फिर अपने बैंक के अंदर यहाँ से जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। दोस्तों मेरी 3 महीने की रिसर्च है, मैं आपको पक्के दावे के साथ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आप जो है इस पैसे को अपने पेटीएम के अंदर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों पहले जब ये धनी एप्लीकेशन आई थी तब दोस्तों इन लोगों ने क्या किया कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जो क्रेडिट लाइन दे दी थी, तो दोस्तों उन लोगों ने क्या किया कि धनी से जो है यहाँ पर मान लीजिए कि पैसे ले लिए थे, या फिर जो कुछ भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने फ्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें यहाँ से कर ली थी, तो उन लोगों ने क्या किया कि वापस धनी को जो है पैसे यहाँ पे नहीं दिए। इस वजह से दोस्तों यहाँ पे जो है धनी एप्लीकेशन है इसने क्या किया कि यहाँ पे जो है क्रेडिट लाइन बंद कर दी। तो धनी एप्लीकेशन दोस्तों जैसे आपकी क्रेडिट लाइन ओपन हो जाती है तो उसके बाद में क्या है कि आपको लोन भी दे देती है। तो ऐसे में दोस्तों क्या किया कि लोगों ने इनका जो लोन है वो यहाँ पर वापस नहीं दिया, तो इसीलिए दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है वो मान के चलो आप दिवालिया घोषित लगभग हो ही चुकी है दोस्तों धनी एप्लीकेशन। इसीलिए दोस्तों ये आपके किसी की भी यहाँ पे जो है क्रेडिट लाइन को ओपन नहीं कर रही है, सिंपली एक ही चीज़ यहाँ पे दिखा रही है कि वी आर सॉरी वगैरह वगैरह कुछ ऐसा इसके अंदर जो है आ रहा है। तो मेरी आप बात मानो तो यहाँ से जो आप सर्विस का लाभ उठा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास पैसे है तो आप यहाँ से फास्टैग के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना, या फिर आप जो है मान लीजिए किसी दूसरी चीज़ के अंदर पैसे लगा देना, बस की टिकट की, फ्लाइट की, ट्रेन की, होटल की, जो भी आप कर सकते हो वो आप यहाँ से कर लेना। लेकिन दोस्तों यहाँ से जो है पर्सनल लोन वगैरह भी यहाँ पे दे रखा है कि 3 मिनट के अंदर मिलता है, लेकिन दोस्तों आपको जो है 3 महीने में भी यहाँ से जो है लोन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैंने आपको जो है मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर सारी की सारी जानकारी यहाँ पे जो बता दी है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आप जो है धनी के द्वारा यहाँ पे अर्निंग वगैरह कर लेते हो तो दोस्तों बहुत ही मुश्किल है, तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे रियल चांस है कि आप जो है 100 में से 1% यहाँ से जो अपने केस को विड्रॉल लगा सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ से आपका जो भी केस है वो दोस्तों विड्रॉल नहीं हो सकता है। आप उसके द्वारा जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल या फिर मोबाइल वगैरह के रिचार्ज, आप कुछ इसी तरीके की चीजें आप यहाँ पे जो है कर सकते हो। जो भी धनी ने आपको सर्विस वगैरह दी है सिर्फ आप उन्हीं का यूज यहाँ पे जो है कर सकते हो। दोस्तों पिछले वीडियो जब मैंने बनाया था तो मुझे भी यहाँ पे जो इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, इसलिए जो भी मैंने डिटेल इसके बारे में दी थी दोस्तों वो अधूरी रह गई, और दोस्तों काफी सारे लोगों के यहाँ पे जो कमेंट वगैरह भी आए थे। तो इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे जो पूरी की पूरी यहाँ पे जो रिसर्च कर ली है, लेकिन दोस्तों रिसर्च के अंदर मुझे एक चीज यहाँ पे जो पता चली है कि ये एप्लीकेशन आपको पैसा नहीं देगी। अगर आप इसके अंदर जो है रेफर की या फिर मान लीजिए धनी कैश वॉलेट की कोई भी आप जो अर्निंग करते हो तो आप उसको जो है धनी सर्विस के द्वारा ही यूज कर सकते हो, इसके अलावा आपके पास और कोई भी यहाँ पे जो चांस नहीं है। तो दोस्तों मेरी राय यही है कि अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो और आपके पास इसके अंदर जो बैलेंस वगैरह पड़ा है तो आप उसको जो है धनी सर्विस में लगा दो, आप रिचार्ज कर दो मोबाइल का या फिर डीटीएच का जो भी आपसे बन पड़ता है, फटाफट से आप जो रुपए को या तो जो है लगा दो या फिर उनको निकाल लो जो भी आपसे होता है। तो बताइए दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।